Smash that subscribe button, then enable the bell icon and be the first one and never miss the update from our YouTube channel. सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग सब टीवी को अपने डीडी फ्री डिश में किस तरीके से पा सकते हैं और उस चैनल को बिल्कुल लाइव देख भी सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले भी एक वीडियोस अपलोड करी थी सब टीवी के ऊपर, लेकिन काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि उनके में ये सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट मेरे पास आया कि उनके में वर्क कर गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से बताने वाला हूँ ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा, फुल प्रोसेस दोबारा से। थोड़ा लेंथी हो सकती है वीडियो, सो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ऑटो स्कैन पर जाकर LBN 1 चूज कर लेना है और सभी चीज़ों को ऑन कर देना है, ठीक है, और जो स्कैन मोड है उसको ऑल कर देना है, और इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले इस चीज़ को आप लोगों को ऑटो स्कैन कर देना है। मैंने ये ऑटो स्कैन पहले से कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा आपको ऑटो स्कैन पर आना है और LBN 3 सेलेक्ट कर लेना है। LBN 3 सेलेक्ट करने के बाद आपको 22K ऑन कर देना है, स्कैन मोड पर ऑल कर देना है, दोबारा से इसको ओके कर देना है। मैंने ये दोनों को एक एक बार करके कर दिया है, तो आप लोग भी एक एक बार दोनों को लेके कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ तो मैं ये दोबारा नहीं कर रहा हूँ। सो गाइस पहले एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सिक फ्रीक्वेंसी वगैरह का, ठीक है, अगर आपके में कोई और फ्रीक्वेंसी दिखा रही हो तो। सो गाइस इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आपको सोनी 6 नाम का एक डॉलर साइन में सैम्बल आ चुका होगा चैनल, तो आपको उस चैनल को ढूंढना है, और डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारी वीडियोज़ है डी डी फ्री डिश से रिलेटेड, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सोनी 6 को ढूंढ लिया है। तो आप लोगों को अब करना क्या है, जैसे ही आप लोगों को सोनी 6 चैनल आपको मिल जाएगा, आपको आपका जो रिमोट है इसको साइड में कर देना है, इसको अपने सेटअप बॉक्स के सामने रख दिए। सॉरी गाइस मैंने थोड़ा जल्दी रख दिया साइड में। एक काम कीजिएगा, सबसे पहले जो ओके दबा दीजिएगा एक बार, ओके दबाने के बाद आप लोग अपने डीडी फ्री डिश का रिमोट साइड में रख लीजिए। तो हम लोग अपने रिमोट पर वापस चले जाते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। सो गाइस ओके प्रेस करने के बाद फिर से एक काम कीजिए, रिमोट को साइड में रख दीजिए, क्योंकि अगर रिमोट आपके हाथ में रहेगा तो 100% आई गारंटी यू कि आप लोग कोई ना कोई बटन प्रेस कर ही देंगे। तो गाइस इसके बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है, काफ़ी टाइम भी लग सकता है, थोड़ा आप वेट कीजिएगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद आप लोग का चैनल जो है वो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को रिमोट में से आगे पीछे मत कीजिएगा, बैक मत कर दीजिएगा या फिर नेक्स्ट चैनल पर मत जाइएगा। अगर आप नेक्स्ट चैनल पर जाते हैं या फिर कुछ, तो ये चैनल दोबारा से नहीं आ पाएगा, फिर से हट जाएगा, फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। तो गाइस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आप लोग सोनी सबको किस तरीके से पा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने रिमोट भी साइड में रख रखा है और सेपटॉप बॉक्स भी मेरा वहीं का वहीं लगा हुआ है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे, और मेरे डीडी फ्री डिश में जो है सब टीवी चल रहा है। सो गाइस अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिलीज और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर उन लोगों के पास भी डीडी फ्री डिश है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन